पाकिस्तान को उसका इतिहास याद दिलाया जाएगा और बताएंगे कैसे श्री राम और लव कुश के नाम पाकिस्तान के वजूद से जुड़े हैं। किन जिनकी आंखों में पाकिस्तान ने पट्टी बांधी हुई है वो सेना से ही सबूत मांग रहे हैं। ना तो अब तक मौलाना आजाद सामने आया है और ना ही उसने अपनी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को सौंपी, लेकिन उन 12 करोड़ लोगों के घर में हर पल ये बात जरूर होती होगी कि अप्रैल के महीने से नौकरी चली गई है। और इस घोटाले की खबर के साथ आज ही के दिन बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट उनका आज इस्तीफा हुआ है। हमारा भारत आजकल काफी संकटों से घिरा हुआ है, जैसे बेरोजगारी, बॉर्डर पर तनाव, भूखे प्यासे मजदूर, आर्थिक संकट। इन सब के बावजूद भी हमारा मीडिया किन्हीं और मुद्दों में ही व्यस्त है। हम आपको आज मेनस्ट्रीम मीडिया और आजाद मीडिया दोनों द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों के बारे में बताएंगे। हमारा मेनस्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान, विपक्ष, मौलाना साद और योगा से कोरोना इलाज ढूंढने में बिजी है। उन्हें क्या देश में उत्पन्न हो रहे मुद्दे नहीं दिखाई दे रहे? आप देखिए कि मेनस्ट्रीम मीडिया में किन मुद्दों पर डिबेट हो रही है। पाकिस्तान अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर से तिलमिला गया है। पाकिस्तान की 2 करोड़ का विदेश मंत्रालय, जिसकी दुनिया में कोई हैसियत नहीं है, जिसकी बातों को दुनिया का हर देश रद्दी की टोकरी में डाल देता है, वो कह रहा है कि बीजेपी और आरएसएस कोरोना काल में हिंदुत्व का एजेंडा चला रहे हैं। आज इसी पर होगी भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ी बहस। पाकिस्तान को उसका इतिहास याद दिलाया जाएगा और बताएंगे कैसे श्री राम और लव कुश के नाम पाकिस्तान के वजूद से जुड़े हैं और आखिर क्यों अयोध्या के साधु संत ये कह रहे हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर तो लाहौर में भी बनना चाहिए। किन जिनकी आंखों में पाकिस्तान ने पट्टी बांधी हुई है वो सेना से ही सबूत मांग रहे हैं। इनको हम कहते हैं सबूत गैंग। जो लोग आतंकियों के एनकाउंटर पर आंसू बहाते हैं वो लोग पुलवामा में सेना के ऑपरेशन पर दुखी हैं। हमने इस गैंग को पुलवामा पार्ट 1 का सबूत दिखाया था, आपको याद होगा। आज मैं फिर इनके ऊपर सबूतों वाली स्ट्राइक करूंगा। मैं पूछता हूं इस सबूत गैंग को कि हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों है। सरकार कोरोना से बचाव की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बाद भी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो डराने वाले हैं और कोरोना से जो मरने वालों की संख्या वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। और अमित, इसलिए ये जरूरी है कि कोरोना से हम अपना बचाव करें और ये बचाव स्वामी रामदेव के योगाभ्यास से हो सकता है। जी हाँ, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्वामी रामदेव हमें काढ़ा बनाना सिखाते हैं। वो हमें बताते हैं कि कौन कौन से योगाभ्यास से हमारी इम्यूनिटी, हमारे शरीर की क्षमता पहले से कई कई ज्यादा बेहतर हो सकती है। अंडरग्राउंड मौलाना की बड़ी मुसीबत, चक्रव्यूह में मरकज वाला मौलाना, सीबीआई के रडार पर भी आया साथ। ना तो अब तक मौलाना साथ सामने आया है और ना ही उसने अपनी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को सौंपी है, मगर अंडरग्राउंड साथ पर चौतरफा जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाद अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई भी मौलाना साद पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही। वहीं दूसरी तरफ आपको आजाद मीडिया द्वारा उठाए गए मुद्दों के बारे में बताते हैं। सीनियर पत्रकार रवीश कुमार ने एनडीटीवी पर अपने प्राइम टाइम में लगातार बढ़ती बेरोजगारी पर बात की, जिस पर मेनस्ट्रीम मीडिया शायद ही कोई डिबेट करे। आप हम टीवी के जरिए, अखबारों के जरिए बात करें ना करें, लेकिन उन 12 करोड़ लोगों के घर में हर पल ये बात जरूर होती होगी कि अप्रैल के महीने से नौकरी चली गई है। अमेरिका में जो बेरोजगार हुआ है उसे तो भारतीय रुपए में 70,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक प्रति व्यक्ति पैसे भी मिले, यहां बेरोजगारों को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। तालाबंदी की वजह से मई के पहले हफ्ते में बेरोजगारी की दर 27.1% हो गई और अब 24 मई को मामूली सुधार के बावजूद बेरोजगारी की दर 24.3% है। 24% बेरोजगारी की दर बहुत भयावह होती है। सीनियर पत्रकार अजीत अंजम ने बीजेपी शासित प्रदेश हिमाचल में हुए पीपीई घोटाले के बारे में बात की और कुछ जरूरी बातें बताई। पीपीई किट में घोटाले की खबर आई है
बीजेपी शासित एक राज्य हिमाचल से। और इस घोटाले की खबर के साथ आज ही के दिन बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट, जो हिमाचल में बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उनका आज इस्तीफा हुआ है। और इसी से समझिए कि एक सूबे का जहां बीजेपी जहां सरकार चला रही है, वहां स्वास्थ्य विभाग के सबसे बड़े अधिकारी निदेशक हेल्थ की, स्वास्थ्य निदेशक की गिरफ्तारी हुई, विजिलेंस ने गिरफ्तारी की। और उसके बाद आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तक आरोपों की आंच पहुंची और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। कोरोना में जो जिनको कोरोना वॉरियर कहते हैं, डॉक्टर, नर्सेज और हेल्थ सर्विसेज में जो लोग लगे, उनकी सुरक्षा के लिए पीपी किट मंगाया जाता है, पीपी किट खरीदा जा रहा है। आर्थिक तंगी का रोना हर राज्य सरकारें रो रही है, क्योंकि अतिरिक्त बोझ है खजाने पर, और है भी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसमें घोटाला और कमीशनखोरी का सिलसिला शुरू हो गया। ये पहली खबर आई है हिमाचल से। यकीन मानिए कि 2-4 महीने बाद अगर पूरी मुस्तैदी से मीडिया और विजिलेंस डिपार्टमेंट और सरकारी जांच एजेंसियां अगर काम करेगी, तो हजारों ऐसे बिचौलिए पकड़े जाएंगे जो दलाली कर रहे होंगे। सीनियर पत्रकार अभिसार शर्मा ने न्यूज क्रिकिंग पर अपने शो में मजदूरों की परेशानियों पर बात की। गरीबों के नाम पर मोदी सरकार कितनी बड़ी गिद्ध है, वो प्रमाणित हुआ है कल सुप्रीम कोर्ट में उनके बयानों के जरिए। और सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार जाके इस मुद्दों को सुओ मोटो लिया है और कहा है कि जो गरीब प्रवासी मजदूर सड़क पर चल रहा है, उसके लिए सरकार कुछ काम करे। एक ट्रेन रुकी हुई है और ये गरीब मजदूर वहाँ पर भुट्टा भुनकर खा रहे हैं, ये बदतर हालत है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, मुजफ्फरपुर की है। एक बच्चा 3-4 दिन के बाद, 22 को इसकी ट्रेन दिल्ली से निकलती है, 25 को मुजफ्फरपुर पहुंचती है। बच्चा भूखा था, 2.5 साल का, मर गया। सरकार तो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि लोग भूख से मर रहे हैं। ये तस्वीर याद है आपको, इस माँ की लाश के पास उसका बेटा इस तरह से घूम रहा है। जब गरीब मजदूर मर जाता है और सोशल मीडिया पे या मेरे जैसे पत्रकार उनके दर्द को आपके सामने रखते हैं, तो ये केंद्र सरकार उन्हें गिद्ध कहता है, ये केंद्र सरकार उन्हें कयामत का पैगंबर कहता है। ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन पर मीडिया शायद ही कोई डिबेट करेगा। बढ़ती बेरोजगारी पर तो मीडिया ने बात करना ही बंद कर दिया है। हम उम्मीद करेंगे कि मीडिया इन मुद्दों पर भी ध्यान दे और इन पर सरकार से सवाल करना शुरू करे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।